मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजेरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें, इसको काट के निकालो। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जंघा का दर्द होगा, फिर गुड़गे का दर्द होगा, फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनंती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। वो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं करेंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा, तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजेरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए, और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू, उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं, मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.5 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है।